संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उपजिलाधिकारी सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज हुई 45 शिकायतें तथा 3 शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण। ज्यादातर शिकायतें भूमि तथा मकान संबंधी विवादों की जिलाधिकारी महोदय ने फरियादियों से की। अपील की न्यायालय में वाद दाखिल करने से पहले जान ले सही प्रक्रिया। ज्यादातर मामलों में अधिवक्तागण फरियादियों को नहीं देते हैं पूरी जानकारी, तो उठानी पड़ती है परेशानी। अधिकारियों को भी सख्त निर्देश कि यदि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत लेकर आता है तो दोबारा से आया है और उसने कहा कि संबंधित अधिकारी ने समाधान नहीं किया तो होगी दंडात्मक कार्यवाही। बाबा कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? हम हाँ जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब, एप्लीकेशन साफ किया थे। क्या किस चीज की एप्लीकेशन? मकान मामले में। मकान में क्या है? खेत के मामले में। हाँ, फूल तोड़ गए। हाँ, और साहब जबरदस्ती कब्जे कर। कौन कर रहा है आपको? कौन कर रहा है कब्जा? ये सिरसा कलार की बात है। सिरसा कलार की। आज 45 शिकायतें यहाँ जालौन तहसील में प्राप्त हुई हैं, इसमें से 3 का निस्तारण मौके पे आज ही कराया जा रहा है। और अधिकांश जो शिकायतें आई हैं वो भूमि को लेके विवाद और मकान को लेके विवाद के संबंध में है। और इसके लिए सबसे पहले तो दिशा निर्देश यही है कि जो सभी शिकायतकर्ता हैं, अगर निजी भूमि का विवाद है तो उसके संबंध में प्रक्रिया की जानकारी ज़रूर कर ले। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कुछ अधिवक्तागण या कोई अन्य लोग केस के बारे में ठीक से बताते नहीं है कि क्या प्रक्रिया है कोर्ट में, जिससे निर्णय होता है। तो अगर सरकारी अगर निजी खेती की ज़मीन है तो उसमें हदबंदी का वाद कैसे दायर होता है इसकी प्रक्रिया जान लें। और अगर आबादी में ये अगर विवाद है प्लॉट को लेके, मकान को लेके, तो इसके लिए भी एक प्रक्रिया है। और ख़ास तौर से इसमें सिविल कोड के बहुत स्पष्ट निर्देश होते हैं, तो उसको लेके भी प्रक्रिया की जानकारी ज़रूर कर लें। उसके बाद एप्लीकेशन ज़रूर लेके हमारे पास आएँ और हम अपनी तरफ से निस्तारण में जो संभव प्रयास है वो करेंगे। पर अक्सर ऐसा होता है कि जानकारी के बिना मनगढ़ंत उनको कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे परेशानी शिकायतकर्ता को ही ज़्यादा झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी करें तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा यहाँ सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उसमें गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। और अगर कोई भी शिकायतकर्ता दोबारा तहसील दिवस में आएगा और ये देखा जाएगा कि उसकी शिकायत का ठीक से निस्तारण नहीं हुआ तो